नौसेना के एक और चार थल सेना के एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिसमें 23 फाइटर प्लेन, 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट, एक विंटेज एयरक्राफ्ट को देखा जा सकेगा। वही नौसेना का विमान IL-38 जो पिछले 42 सालों से नौसेना के सर्विस में है, ये विमान पहले झांकी की थीम मानस खंड है। तीनों भागों में बटी इस झांकी का हर हिस्सा उत्तराखंड की विरासत को दर्शाएगा। परेड में गुजरात भी अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा, जिसमें गुजरात के मोटेरा गांव के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां पर सोलर एनर्जी से 24 घंटे बिजली पैदा होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की झांकी का थीम तीर्थयात्रियों और पर्यटन क्षमता के पृष्ठभूमि में नया जम्मू कश्मीर है। झांकी में जंगल, ट्यूलिप गार्डन और लैवेंडर की खेती और उस पर काम कर रही बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी को भी शामिल किया गया है। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब NCB गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा ले रही है। उनके परेड की थीम है नशा मुक्त भारत। ये झांकी के जो सैन्य दल है वो भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति भी इस बार चीफ गेस्ट बनकर रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगे।